मैं 1 तारीख की सुबह को बुलंदशहर इस्तेमे में गया हुआ था। वहाँ से जब मैं लौट के आया 3 तारीख में, तो यहाँ औरतों ने बताया कि 2 तारीख की शाम यानी रविवार की शाम को गांव में एक अनाउंस हुआ बजरंग दल द्वारा। वो सब लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद सुबह को ये लोग कहीं ये बजरंग दल के लोग थे जिसमें योगेश राज उनका संचालक था, तो ये सब लोग इकट्ठे हुए थे। सुबह को ये लोग वहाँ गाय के कुछ पीस वगैरह लेके वहाँ पहुँचे हैं, जैसा सुना है, देखा हमने नहीं है। फिर उसके बाद हम रात को आए हैं, हमें यहाँ हमने जानकारी जुटाई, सब लेडीजों ने गांव में जो बुजुर्ग थे उन लोगों ने बताया कि 2 तारीख की रात को अनाउंस हुआ था। अनाउंसमेंट ये हुआ था कि सभी हिंदू लोग आ जाइए, अपने हिंदू भाई यहाँ पे महादेव पे आ जाइए, कुछ मीटिंग करनी है, उसमें बातचीत करनी है हमें। ये 2 तारीख की रात को हुआ 8 बजे। झांसी निकालते हैं, ये जन्माष्टमी की झांसी निकालते हैं, खूब डीजे से निकालते हैं। होली निकालते हैं तो डीजे से निकालते हैं, कट्टा लेके घूमते हैं। और झांसी, एक झांसी और निकली, उसमें वो बना लेते हैं हनुमान देवी वेवी बना के बिठा लेते हैं। इस तरीके से रंग बखेरते हैं, मुसलमानों के ऊपर भी रंग भी बखेरते हैं, ऐसे करते गाना। एक बंदूक ले लेते हैं, हमारे यहाँ टूटी हुई मस्जिद है उसमें बंदूक मारते, गोली मारी इन्होंने। थोड़ी सी बात अगर जैसे रास्ते में चल रहे हैं या कुछ हो जाए, मतलब जैसे कि टकराव हो जाए या कुछ हो जाए, मतलब साइकिल से या किसी चीज़ से, ये जरा सी बात पे इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर देते हैं, बहुत बड़ा। और फिर कहते हैं कि क्या नाम है, हम यहाँ मुजफ्फरनगर बना देंगे, मतलब जैसे मुजफ्फरनगर में कांड हुआ था हम यहाँ पे वो कर देंगे, मतलब मुसलमानों को यहाँ रहने नहीं देंगे। वो क्या करेंगे बताओ, कहाँ जाए मुसलमान? थोड़ा इसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि बुलंदशहर में इस्तेमा था और 50 लाख लोग उसमें उन्होंने शिरकत की थी, तो वो हिंदू एक मोदी जी ने एक ऐसा नया तबका बना दिया हिंदुओं में जो हिंदूवाद की बात करता है वक्त, तो वो लोग दिन भर घृणा का काम करते हैं, हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। तो उन्होंने देखा कि यार इतना आदमी आया है तो कुछ ना कुछ ऐसे में फ़ायदा उठाया जाए, लिया जाए। उन्होंने कुछ पुराने अवशेष जानवरों के इकट्ठे करके कहा कि साहब वो तो गऊ कटी हुई और ये गाय कट गई हैं, और उन्हें ये बताना था कि इस्तेमा में वो गाय उनका जो वो है इस्तेमाल जो है वो उसमें इस्तेमा में की गई हैं, ये उनका इरादा था। तो उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा अवसर मिल गया है तो इसका फ़ायदा उठाया जाए। हमने दे दिए कि साहब ये झूठा मामला है, गोकसी का मामला झूठा है, वो हमारी जाँच करी जो कि गोकसी करेगा वो स्त्री से खाल को नहीं टांगेगा, समझिए, या ऐसे मांस नहीं लटकाएगा पेड़ों पर। और दूसरी बात यह है कि वो यहाँ से ये बता रहे हैं, मैंने फोटो देखा है उन लोगों उनका, तो वो ऊपर से मार गई है, जो भी मारा गया उसको ऊपर से मारा गया, लेकिन हम लोग यहाँ से हलाल करते हैं, अगर जीवया करेंगे किसी जानवर को तो हम यहाँ से करेंगे, यहाँ के ना कि यहाँ से। और जो योगेश राज हैं, ये जो है हमें जब से BJP गवर्नमेंट आई है, जब से हमें बहुत डरा के धमका के हथियारों को लहरा करके फायर कर करके हमें थ्रेट दे दे करके गालियाँ दे दे करके बदतमीज करके हमारा गाँव के अंदर जीना दुश्वार कर रखा। ये महाव गांव में 31 गौवंशों के अवशेष मिले थे, 16 तारीख को भी खुर्जा में 21 गौवंश मिले थे कटे हुए। तो ये घटनाएं इस्तेमा से संबंधित की जा रही हैं, जब से ये इस्तेमा की परमिशन दी गई थी उसके आसपास में गौकसी की घटनाएं बढ़ गई थी, 5 लाख की अनुमति थी, 15 लाख लोग वहां पहुंचे। तो ये सब जांच का विषय है कि अचानक ऐसे ही इस कार्यक्रम की अनुमति क्यों दे दी गई और कार्यक्रम के बाद ही जिले में गौकसी क्यों बढ़ी, तो कहीं ना कहीं इसका संबंध कहीं उससे तो नहीं, इस पर भी गौर करना चाहिए। मामला ये है जी, ये जो है बुलंदशहर में वो सभी को है कि इनका जो है इस्तेमा का कार्यक्रम चल रहा, कोई बात नहीं, जबकि इन्हें 2 लाख की हुई परमिशन, अब 30-35 लाख कैसे आ गए? पूरा जिला जो है दहशत में रहा, पूरा माहौल दहशत भरा हुआ रहा। उसके बाद में मेरी विधानसभा में ही गांव पड़ता महाव के जंगल में करीबन 45 गान के अवशेष अंग मिले, गर्दन मिली, वो मिली। इसका रीजन ये है सर कि ये चाह रहे हैं कि यहाँ से सब ये गांव वाले जो मुसलमान हैं सब निकल जाएं यहाँ से, गांव खाली कर दें हमारा।